नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। शामली जनपद में डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव लाक में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते दोनों लोगों की हत्या कर दी गई है। आरोपी के गांव के ही हिस्ट्री शीटर बदमाश विवेक उर्फ केकड़ा ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है और दोनों लोगों की हत्या कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी। दरअसल मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गाँव लाख का है, जहाँ पर खेत से जा रहे पल्ला और विनोद दो लोगों की अलग अलग जगह पर हत्या कर दी गई। गांव के ही हिस्ट्री शीटर बदमाश विवेक उर्फ केकड़ा पर हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने साथियों के साथ मिलकर पहले धारदार हथियार से काटकर घायल किया और फिर गोलियां मारकर हत्या कर दी। एक के बाद एक हुए डबल मर्डर से जहां गांव में दहशत का माहौल है, तो वहीं बदमाशों ने पुलिस को घटना को अंजाम देकर खुली चुनौती दी है। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसके बाद पीड़ितों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस घटना के पीछे पुरानी रंजिश पर जमीनी विवाद होने की आशंका जता रही है। वहीं इस मामले में मृतक के भाई का कहना है कि गांव का हिस्ट्री शीटर ने पहले तो धारदार हथियार से काटकर भाई की हत्या की और फिर सर में गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही जब गांव वाले आए तो तब आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत कर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला ये है जी, ये है हिस्ट्री शीटर जहाँ हमारा घेर है भाई का, उसी के बराबर में इसका घर है। अच्छा, तो ये वहाँ से लग रहा था, बस अचानक हम लग रहा, दोनों भाई थे और इनका पिता जी। अच्छा, उसको धारदार हथियार उसे काट दिया, गोली भी मारी। जब भाई हर गए दूसरे छुड़ाने के लिए, उनके पीछे भी भाग गए, फिर में हथियार ले रहे थे तो इतना फिर पब्लिक इकट्ठी होगी तो भाग गए वहाँ से जी। ये है मामला तो सारा। तो कैसी गोली मारी उन्होंने, कहाँ मारी गोली? सिर में लग रही जी, यहाँ लग रही, यहाँ ऊपर। अच्छा, वो लग रही यहाँ पीछे, धार धार हथियार उसे दो तीन जगह चक्कू वक्कू भी मार रखे, शायद दांत भी थे। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह जी इसे भाई जैसा तो ऐसे स्ट्रीट शीटर को तो मार ही देना चाहिए सरकार को, तो पुलिस को। अच्छा, क्या नाम है उसका हिस्ट्री शीटर का और कहाँ का रहने वाला है? ये लाख का ही रहने वाला है, विवेक है इसका नाम। पहले भी दो तीन मर्डर में जेल जा चुका, हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीट में नाम है इसका। अच्छा, लगभग 9 बजे पुलिस को यह सूचना मिली कि थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति है, उनकी हत्या हो गई है। इस संबंध में तत्काल पुलिस जो है वहां पर पहुंची, सीनियर अधिकारी सारे लोग वहां पहुंचे और उस दौरान यह पता चला कि तीन व्यक्ति जो साथ में बैठे थे और साथ में खा पी रहे थे, उनके बीच कुछ कहा सुनी हो गई और उसी विवाद में फावड़े से मारकर उस एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसके बाद पूछताछ में यह भी पता चला कि बाद में एक और विवाद में उसी व्यक्ति जिसने की पहले हत्या की थी, उसने भी ईंट एक और व्यक्ति को मार दी, उसकी भी मृत्यु हो गई। इसी संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को रात्रि में ही 3 घंटे के अंदर हिरासत में ले लिया गया था और अभी उस पर रात में ही तत्काल पोस्टमार्टम करवा लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर जा चुकी है और अभी सारी वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही है।